एक और बात होती है कि प्रॉप्स में भी हम ना डाटा जो शेयर करते हैं वो पेरेंट्स टू चाइल्ड शेयर करते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता, ठीक है ना, पेरेंट टू चाइल्ड शेयर करते हैं। तो जब हमें चाइल्ड टू पेरेंट डाटा शेयर करना हो या हमें तकरीबन ये है कि मल्टीपल कंपोनेंट को डाटा शेयर करना हो, तो फिर ये जो है ना प्रॉप्स है उस वक्त ये क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो फिर इसके बाद क्या यूज करते हैं, इसके बाद यूज करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कंटेक्स्ट। पढ़ा सर ने कहा था डस के साथ यूज कंटेक्स्ट। नहीं पढ़ा, फिर इसका काम होता है रिडक्स के बारे में कहा जाता है कि ऐड टू कार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यार अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है या यूज कॉन्टेक्स्ट है, ये एक हुक है, ये एक हुक है, इसको फिर यूज किया जाता है डाटा को, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जब कंपोनेंट्स जो है ना, इसमें भी जो है ना तकरीबन हम कह सकते हैं कि स्मॉलर टाइप, मतलब 10 से 15 कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा तो शेयर हो सकता है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट। अब इसमें ये भी स्टेप होता है कि आप चाइल्ड टू पेरेंट भी डाटा भेज सकते हैं। लेकिन जब वो जैसे जैसे हमारे पास कंपोनेंट इंक्रीज करते जाते हैं, तो फिर ये भी जो है नाकाम हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है वो रिडक्स होता है। एक एग्जाम्पल की तरफ चले, हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करें कि इसकी एग्जाम्पल क्या होती है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, किसी भी हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं यार। अब ये मेरे पास जो है, जो भी मैं परचेज करूंगा इसमें जाएगा। तो अब मेरे पास ये जो कार्ड है ये अलग-अलग कंपोनेंट में पड़े हैं, ये जो कार्ड पड़े हैं ये एक अलग कंपोनेंट है। मेरे पास ये तकरीबन सारे ही जो कंपोनेंट हैं डिफरेंट हैं। अब कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट आप लोगों को आइडिया है, मेरे पास एक नैव बार एक कंपोनेंट है, नैव बार के अंदर ये कार्ड के ऑप्शन एक अलग कंपोनेंट है। और हम जो रिडक्स है, रिएक्ट है, उसको कंपोनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसमें डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं। ये हमने ये हाँ जी, ये वेब पेज का हमने ये सेक्शन बनाना था, इसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट बनाया, नैव बार हमने अलग बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है कैराजोल का सेक्शन, ये कलादा बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये मिनी कार्ड ऑप्शन एक अलादा बनाई, और उसके बाद ये एक अलादा बनाई। फिर ये है कि इनको हमने एक सीक्वेंस से जोड़ दिया, पहले एक कंपोनेंट को रख दिया, उसके बाद दूसरे कंपोनेंट को रख दिया, उसके बाद तीसरे कंपोनेंट को रख दिया। तो अब हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स जो है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसमें ये चाह रहे हैं कि डाटा जो है इस कंपोनेंट पे हम क्लिक करें तो डाटा जो है किसमें जाए, ऐड टू कार्ट में जाए, ये एक सेपरेट कंपोनेंट है। तो अब इसमें अगर पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट का कंसेप्ट रखा जाए, तो फिर यहाँ पे डाटा ऐसे पास करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये होता है रिडक्स में, ये होता है कि आप ना उसमें जो है किसी भी कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें होती हैं लाइक दैट। इसमें मैं यहाँ पे कहूँ तो प्रॉप ड्रिलिंग, प्रॉप ड्रिलिंग। अब प्रॉप ड्रिलिंग जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी रिडक्स की बात होती है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हम रिडक्स को यूज क्यों करते हैं। आपने सिंपल आंसर ये देना है कि देखें जी, प्रॉप ड्रिलिंग जब का जो होता है ना एक कंसेप्ट होता है, उसको उससे निकलने के लिए ना फिर हम यूज करते होते हैं रिडक्स को। अब प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, प्रॉप ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डाटा भेजते हैं, और मतलब फिर दूसरे से तीसरे को हम भेजते हैं। तो ये होता है प्रॉप्स के जरिए, प्रॉप प्रॉप, ये प्रॉप से ही निकला, प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसकी आप लोगों को कुछ ना एक शेप इधर दिखाऊं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इमेज देखने के बाद। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉप ड्रिलिंग,
इमेज देखेंगे। ये सारी मेरे पास जो एग्जांपल है ये प्रॉप ड्रिलिंग की एग्जांपल है। सबसे आसान एग्जांपल ये है, ठीक है। ये पेरेंट है, पेरेंट से डाटा चाइल्ड को गया, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड को गया, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड को गया। ये प्रॉप ड्रिलिंग की एग्जांपल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी प्रॉप ड्रिलिंग की एग्जांपल है। अभी प्रॉप्स और प्रॉप ड्रिलिंग में डिफरेंस है कि सेम है दोनों? देखिए जब हम बात वही है, प्रॉप्स में तो हम सिर्फ प्रॉप्स की डेफिनेशन ये है कि जब हमने एक कंपोनेंट से डाटा किसी दूसरे कंपोनेंट को पास करना है तो वो तो हो गया प्रॉप्स। हाँ, जब हमने मल्टीपल प्रॉप्स को यूज करना है तो वो प्रॉप्स ड्रिलिंग कहलाता है। प्रोसीजर वही है। प्रोसीजर वही है, ठीक सिंपल है ना, प्रोसीजर वही वही है, ठीक है, प्रॉप्स का ही। तो आप यहाँ पे ये देखें, डाटा हम इसमें जो है ना पेरेंट टू चाइल्ड जो है ना डाटा जो है हम पास कर रहे हैं, तो ये एक जो है ना प्रॉप्स ड्रिलिंग है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो है ये प्रॉप्स ड्रिलिंग है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरे पास जो है ये प्रॉप ड्रिलिंग है। तो प्रॉप ड्रिलिंग में डाटा जो है वो पेरेंट टू नहीं। चाइल्ड ही ट्रेवल कर रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं। नहीं जा रहा, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉप ड्रिलिंग। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है, इसके बाद जो है ना वो रिडक्स की तरफ जाते हैं। रिडक्स से की तरफ जाने से पहले प्रॉप ड्रिलिंग के बाद दूसरा क्वेश्चन होता है स्टेट लिफ्टिंग। भाईजान बिछड़े हुए हो, कितने अरसे के बाद आए हो यहाँ पे, कितने बाद ऐसे आके मिल रहे हो जैसे ईद मिल रहे हो सबसे। अच्छा जी, खैर अब ये है स्टेट लिफ्टिंग, स्टेट अपलिफ्टिंग। स्टेट को आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे इसके यूज कर लो स्टेट अपलिफ्टिंग। अब स्टेट अपलिफ्टिंग से मुराद ये होता है कि जब आप चाइल्ड टू पेरेंट डाटा जो है ना ट्रांसफर करते हो तो उसको कहते हैं स्टेट अप, ठीक है ना। वर्ड में मैंने उस तरह करके लिखा है कि स्टेट अपलिफ्टिंग, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं इसकी एक इमेज निकालू यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेट अपलिफ्टिंग। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई, जरा इसको पढ़ लें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी थोड़ी चीज की समझ आ जाए। अब यहाँ पे अगर इसकी हम कोई इमेज निकालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना स्टेट अपलिफ्टिंग है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट अपलिफ्टिंग। चाइल्ड पेरेंट को जा रहा था। यस, ये स्टेट अपलिफ्टिंग है। अब इसके बाद अगर मैं किसी और की यहाँ पे बात करूँ तो ये भी है एक स्टेट अपलिफ्टिंग है। हाँ ये मेथड है सब जी, स्टेट ये अपलिफ्टिंग एक में। प्रोसेस होते हैं। डाटा तो हम पास करते हैं, जब चाइल्ड टू पेरेंट डाटा पास कर रहे होते ये हैं प्रोसेस का उस नाम है। हाँ प्रोसेस का नाम है, जिस तरह हम प्रॉप्स यूज कर रहे थे ना, तो जी उस पूरे प्रोसेस का नाम था प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है ना, प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब ये जो होता है, जिस तरह हम चाइल्ड टू पेरेंट डाटा ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे स्टेट अपलिफ्टिंग, ठीक है। अब ये जी होप्स आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। कहीं पे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसका आई थिंक होप्स यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ओके जी, ये तो हो गया जी स्टेट अपलिफ्टिंग हो गया। उसके बाद अब ये एक प्रोसेस हो गया जी। अब ये है कि प्रॉप ड्रिलिंग से हम छुटकारा पाने के लिए हम जो है ना आसान लफ्जों में कहें तो हम रिडक्स को यूज करते हैं, ठीक ये है। रिडक्स के अंदर नहीं होती। ये रिडक्स के अंदर नहीं होता, रिडक्स में हम ना ये जो है ना एक तो प्रॉप ड्रिलिंग और एक स्टेट अप लिफ्टिंग, ये दोनों प्रोसेस हम रिडक्स के अंदर ही कंबाइन करते होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। बजाय इसके कि हम ना प्रॉप्स ड्रिलिंग के लिए, प्रॉप्स के लिए पास करने के लिए प्रॉप्स को यूज करें हाँ और स्टेट अप लिफ्टिंग के लिए हम यूज कंटेक्स्ट को यूज करें, और दोनों को सेपरेट सेपरेट करने की बजाय हम ना एक ही जो काम रिडक्स करते हैं वो रिडक्स में करते हैं, कि रिडक्स जो है मीन्स दोनों का सोल्यूशन।
ठीक है जी। किस्में भी होती है नहीं रिडक्स की किसमें नहीं होती, रिडक्स जैसे एक, रिडक्स टूल किट कहते हैं, एक रिडक्स दूसरा होता है क्या? अच्छा अब एक पहले होता है कि रिडक्स होता है सिंपल होता है। सवाल आपने पूछ लिया है तो मैं इसका आंसर भी करूंगा, थोड़ा सा फिर ध्यान से सुनना भी है। रिडक्स अब ये होता है एक सिंपल रिडक्स होता है, ठीक है ना। तो रिडक्स में तो हमने अभी ये समझ लिया कि रिडक्स हम यूज करते हैं जी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, डाटा कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा की जो स्टेट है ना उसको मेंटेन करने के लिए। नहीं ठीक हो गया जी, ये समझ आ रही है, ये जा रही है, आ रही। ये पीछे मुदर में बैठी है। हाँ जी कुछ समझ आ रही है? हाँ अच्छा ओके, बाद में मैंने पूछना भी है। अच्छा जी तो अब रिडक्स की डेफिनेशन की समझ यहाँ तक आ गई, हम थोड़ा सा यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं जी। सिंपल जो रिडक्स होता है ये तो काम करता है कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा की स्टेट को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक हो गया जी। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब ड्रॉबैक से मुराद ये है कि अब ये डाटा जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह कहते हैं ना सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस पढ़ा हाँ जी हाँ जी, क्या होता है? तो सिंक्रोनाइज करता है पहले उसका बिहेवियर, तो सिंक्रोनस होता है फिर उसको ए सिंक्रोनस बनाते हैं, ए सिंक का वेट मिला है क्योंकि ए सिंक अवेट वो करा, लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो फिर एरर आ जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए ए सिंक का वेट लगाते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके गुड। अच्छा अब इसी बात को भाईजान कोई खास बात है आप पहले वो कर लें, ठीक है हम सारे सुनते हैं उसके बाद में पढ़ाना शुरू करें। नहीं बाहर नहीं भेजेंगे ना, आपकी क्लास का हिस्सा है, पहले हम इनकी सुन लेते हैं ना। हाँ इनकी जो ख्वाहिश है तमन्ना है वो अधूरी नहीं छोड़ेंगे हम जी। जनाब पहले आप अपनी राम कहानी सुनाएं फिर हम पढ़ेंगे फिर। नहीं नहीं तो आप ये जो है ना आप कहाँ से आ गए हैं जी, वो क्या कहते हैं जी नहीं साहब थोड़ी देर के लिए ना आप आज ना क्लास में ही ऐसे ही मौजूद रहें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सुने, ठीक है ना। कल कल के दिन में ना, पूछ नहीं मैंने कौन सी यहाँ पे तोप चलानी है या आपने मेंटली फ्रेक। हाँ रहा अच्छा बेटा एक्चुअली आज ना वो जो इमरान साहब है ना वो कहीं बिजी है आज, ठीक है ना, चलिए तो उनकी जगह मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। इजाजत हो तो मैं पढ़ाऊँ? हाँ ठीक जनाब आप शोर ऐसे करेंगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं सकूँ। अच्छा चलें हाँ जी ना यार। अच्छा जी खैर हम बात कर रहे थे कि ये भाई ने एक आंसर किया था सवाल का कि हम ना जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का जो बिहेव है ना वो सिंक्रोनस है, ठीक है ना। तो उसको एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, उसके साथ यूज करते होते हैं असिंक वेट यूज करते होते हैं, ठीक है ना। अब असिंक वेट के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, शायद सर ने आपको वो शायद नहीं सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो मैं बात वो उसकी तरफ नहीं जाने जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो रिडक्स है ना, रिडक्स भी इसी तरह जो है ना वो सिंक्रोनस वे में काम करता है। इसको असिंक बनाने के लिए, इसको असिंक बनाने के लिए फिर इसके साथ हम यूज करते हैं थंक, ठीक है ना। थंक उनके थंक भी वही काम करते हैं, इसको जो है ना जिस तरह आपने असिंक वेट यूज किया किस लिए, जगह उसको एसिंक्रोनस बनाने के लिए ना, तो जो रिडक्स है वो बेसिकली जो है ना वो सिंक्रोनस वे में काम करता है। तो उसको एसिंक्रोनस में आपने जो है ना वो चेंज करने के लिए क्या किया आपने, उसको उसके साथ थंक यूज किया। तो ये है कि जब हम रिडक्स टूल किट की बात करते हैं ना तो फिर उसमें ये होता है कि वो एक रिडक्स का नेक्स्ट स्टेप है। यानी कि एक रिडक्स है, एक रिडक्स टूल किट है, टूल वो किट उससे जो है ना, एडवांस है। हाँ जी वो एडवांस है, उससे अच्छा उस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप वो आता है कि फिर आपको ना रिडक्स के साथ ना थंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा ठीक है ना। जो आप टूल किट में करेंगे ना करेंगे आप उसी रिडक्स को ही करेंगे, ठीक हाँ जी है ना। लेकिन उसमें जो उसकी जो फीचर है वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं, ठीक उसके जो मतलब ड्रॉबैक्स थे जिसमें है उसमें हाँ ये था कि वो जो थंक है रिडक्स है वो काम कर रहा था सिंक्रोनस वे में काम कर रहा था, ठीक जी है ना। तो फिर ये है कि उसको हमने चेंज करना था कि हमें उसको काम करना है जब हमने कोई एपीआई वगैरह गेट करनी है, हाँ
तो तब तो वो ओवरडक्स जो है ना वो उस वे में तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, उसमें तो टाइम बहुत ज्यादा लेगा। तो उसको एसिंक्रोनस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बिहेव को यूज करते हैं थंक, थंक या सागा को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी तरह ये है कि फिर ये है कि जब हम रिडक्स टूल किट को यूज करते हैं ना, तो रिडक्स टूल किट जो है ना सारी ये बातों को कवर कर लेती है। रिडक्स का वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब इसके बाद रिडक्स करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्स करने के लिए हमें ना पहले देख थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम देखेंगे हम। फिर रिडक्स में काम कैसे होता है जी, ये रिडक्स है, तो ये रिडक्स है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है, एक स्टोर बना लिया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह एक आप बात करो कि एक फैक्ट्री में हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और एक फैक्ट्री में एक जो है ना वो स्टोर बना लिया जाता है कि जिस भी डिपार्टमेंट को जो भी चाहिए जाकर वो किससे ले लें, स्टोर से ले लें, ठीक है ना। जो उनके पास चीज एक्स्ट्रा पड़ी है वो कहाँ पे जाकर रखेंगे, स्टोर में रखेंगे। तो ये एक बेस्ट वे रहेगा, बजाय इसके कि हर एक कंपोनेंट के पास अपना अपना स्टोर हो, तो वो तो एक बड़ी जो है ना वो टेंशन बन जाएगी, और किसी दूसरे जो है ना डिपार्टमेंट को फिर उसी हर एक डिपार्टमेंट से अलग जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत से जो है ना वो मरहल से गुजरना पड़ेगा। तो बेस्ट वे ये होता है कि एक अलग से स्टोर बना लो जी, तो उसको वो स्टेट पास कर दो, डाटा उसको पास कर दो जिसको चाहिए वो वहां से गेट कर ले, या जिसको डाटा मतलब कुछ भेजना है दूसरे कंपोनेंट को तो वो स्टोर को पास करेगा और स्टोर से आगे वो गेट कर लेंगे, ठीक है जी। ये एक जो है ना ये काम है प्रोसेस, कि एपीआई के थ्रू होगा। ये वाला काम सारा नहीं विदाउट एपीआई होगा, एपीआई की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें एक्चुअली इसमें काम क्या हो रहा है, स्टोर का अपना ही एक पार्ट है, रिड्यूसर है। रिड्यूसर एक लाइक दैट ऐसे है, स्टोर एक ऐसे है, जिस तरह एक शॉप है, आप शॉप के अंदर एक शॉप कीपर है, और शॉप कीपर जो है वो एक रिड्यूसर है जो शॉप को चला रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिड्यूसर क्या कर रहा है, रिड्यूसर यहाँ से कोई स्टेट दे रहा है, और स्टेट में आगे यहाँ पे कोई एक यूआई आ रही है, एक यूआई है। अब यूआई में क्या होता है, यूआई में वो कोई ना मतलब एक्शन होगा, जब एक एक्शन होगा तो उस एक्शन में क्या क्या चीजें होंगी। जैसे बटन लगा होगा कुछ। हाँ जी, अब एक्शन होगा तो एक्शन में क्या क्या चीजें होंगी, अब एक्शन में ये चीजें होंगी कि एक तो हम एक्शन में कोई भी एक बटन बनाएंगे, उसके ऊपर एक इवेंट हैंडलर कॉल करेंगे, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी इवेंट हैंडलर है वो कोई डिस्पैच करेगा। डिस्पैच करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब भी हमने कोई कहीं सी जगह कुछ भेजना होता है, मुझे ये रिमोट भेजना है कहीं पे भी, तो मैं इसको एक अच्छी सी पैकिंग में जो है ना वो पैक करूंगा, उसके बाद मैं इसको आगे भेजूंगा, ठीक है ना। तो ये भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डिस्पैच करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिस्पैच होगा, और जो डिस्पैच होगा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्पैच के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्पैच के अंदर एक तो वो एक्शन है, साथ में कुछ पे लोड फिर जा क्या रहा है, यहाँ पे आप इसको देखिएगा उसमें वो वैल्यू जा रही है, डिपॉजिट कितना हुआ है, एक्शन के इवज कितने जो है डिपॉजिट हुआ है, 10। तो पहले स्टेट की जीरो वैल्यू क्या थी, 10 थी ना, अब वैल्यू जो है वहां पे आगे ऊपर आप देखें तो क्या हो जाएगी, वो पे लोड में 10 जा रहे है, और वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ये एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वर्किंग बनाई बताई हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जहन में इमेज ये बनाना है कि हमने स्टोर का सेटअप एक अलग रखना है, कंपोनेंट्स के साथ उसको लिंक नहीं करना, स्टोर का अपना ही एक पार्ट है, जिस तरह आपने शॉप की एक एग्जाम्पल जहन में रखनी है कि शॉप में एक शॉप कीपर खड़ा है, ठीक है ना। तो आप जो शॉप कीपर है वो क्या करेगा, वो कोई जो है ना आप उससे कुछ लेने के लिए जाते हो ना, तो वो आपको कुछ बुक देगा, ठीक है ना। और जो वो बुक देगा ना वो आगे समझो आपको दे रहा है, तो आप एक यूआई के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप यूआई के तौर पे काम कर रहे हो, तो आपने उससे क्या ली है, एक बुक ली है ना, और बुक जो लेकर जा रहे हो
वो एक पेलोड के तौर पे लेकर जा रहे होंगे। पेलोड का मतलब ये होता है कि हम कहीं से कोई आ रहे हैं, कुछ सामान ले जा रहे हैं, तो हम कुछ पे कर रहे हैं, तो उसके बाद ही वो ले जा रहे हैं ना, इसलिए उसको पेलोड कहते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये पीछे दो दो तीन दो लोग बैठे हैं ना, इनको नहीं समझ आ रही। भाईजान कुछ समझ आ रही है? पक्की बात है? चलिए अच्छा, क्या है ये आखिरी जो है ना, आधे घंटे में मैंने सारी ये चीजें सुननी है आप लोगों से, पूछनी है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है आज। अच्छा जी, खैर अभी हम जाएंगे, ये एक मैंने सेटअप इधर चला दिया था, इसी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पीडी करेंगे, वाई एफ करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे एनपीएम स्टार्ट। ये बंद करना आता है किसी को? ये नहीं, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना एक स्टोर सेटअप करेंगे। स्टोर सेटअप करने के लिए हम काम ये करते हैं कि यहाँ पे जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे रिडक्स के नाम से। रिडक्स के अंदर हम क्या करेंगे, रिडक्स के अंदर हम बनाएंगे एक स्टोर। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसका जो है नाम आपने वो कैपिटल लेटर से लिखना है, क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, स्टोर के बाद हम यहाँ पे एक अपना ही उसका पार्ट जो बनाएंगे वो क्या है, उसका पार्ट रिड्यूसर, रिड्यूसर डॉट जे एस, यहाँ पे हम एक रिड्यूसर बनाएंगे। ठीक है, अब जो स्टोर हम बनाएंगे, स्टोर बनाने के लिए हमने सबसे पहले काम ये करना होता है कि ये जो हमने हमें बेसिक पैकेज कौन कौन से इंस्टॉल करने होंगे, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ। एक हमें एनपीएम आई रिडक्स यूज करना है। अभी रिडक्स हो गया, लाइब्रेरी में रिडक्स हाँ जी, हो गया एक लाइब्रेरी। रिडक्स जो है ये एक जो है ना लाइब्रेरी है, इसका रिएक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सेपरेट है। इसको रिडक्स के साथ हमें लिंक करने के लिए एक पैकेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले तो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे एनपीएम आई रिडक्स का यूज करेंगे, और साथ में हम जो नेक्स्ट रिडक्स और रिएक्ट को दोनों को आपस में लिंक करने के लिए जो इंस्टॉल करेंगे वो होगा एनपीएम आई रिएक्ट रिडक्स। तो ये दो हमें जो है ना पैकेज इंस्टॉल करने होंगे, एक तो रिडक्स का हो जाएगा और दूसरा रिएक्ट, रिएक्ट दोनों को आपस में लिंक करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें यहाँ से मिलेंगे। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम एनपीएम आई रिडक्स यहाँ से, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से इसको मैं किल करूंगा, और यहाँ पे हम डायरेक्टरी में उसी में जाएंगे, सीडी माई ऐप में गए, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और दूसरे नंबर पे हम जो जिसको इंस्टॉल करेंगे वो है रिएक्ट एम आई रिएक्ट रिडक्स। तो
किया और इसको हमने यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। आप सब दोनों पैकेज का आइडिया हो गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं इनको। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे क्रिएट। अगर इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्रिएट स्टोर। नहीं आ रहा अभी तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और इम्पोर्ट लिखेंगे। सबसे पहले स्टोर को क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टोर। क्यों नहीं आ रहा, कुछ सजेशन में दे देता है जब ये हमारे पास जो है ना वो स्टोर क्रिएट हो जाता है। क्रिएट स्टोर, पहले मैं देखूँ इसमें इंस्टॉल हुआ है या नहीं, क्योंकि जब ये दोनों पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं, रिडक्स भी हो गया और रिएक्ट रिडक्स नहीं हुआ। ये जी रिडक्स भी हो गया और रिएक्ट रिडक्स दोनों हो गए हैं। ठीक है, मैं इसको तब तक ये कुछ सेटअप इसका ठीक हो जाएगा मैं यहाँ पे जाऊँगा। अच्छा जी, इसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसमें मुझे सबसे पहले करना है कांस्टेंट रिड्यूसर। मैं रिड्यूसर बना लेता हूँ। रिड्यूसर हमने पहले पढ़ लिया है कि ये पार्ट किसका होता है जी, ये स्टोर का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिडक्स में रिड्यूसर में करना क्या है, रिड्यूसर को हमने एक तो स्टेट देनी है, कौन सी स्टेट। साथ साथ हम ना इस डायग्राम को भी देखते जाते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना इसका आइडिया हो जाए। जी, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, एक जो है ना वो स्टोर अभी बनाते हैं, लेकिन पहले मैं रिड्यूसर बना लूँ। और जो रिड्यूसर जो है उसको पैरामीटर के तौर पे हम क्या पास करेंगे, स्टेट पास करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको एक स्टेट पास करूँगा, स्टेट के साथ इसको मैं एक एक्शन भी दूंगा। ठीक है, अब जो स्टेट है उसकी वैल्यू क्या होनी है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे खुद सेट करूंगा। जिस तरह ये स्टेट है इसकी वैल्यू यहाँ पे जा रही है ना 10 जा रही है, तो जो ये जो स्टेट की वैल्यू ये दे रहा है रिड्यूसर, तो मैं उस स्टेट की वैल्यू यहाँ पे खुद सेट करूंगा। यहाँ पे मैंने कहा जी कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, और इसको मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी। मैंने इसको दे दी जी यहाँ पे 10 दे दी, या मैंने इसको 0 जो भी वैल्यू दे दूं। और फिर यहाँ पे जाकर ना ये वैल्यू जो ऊपर मैंने उसको दी है, मैंने असाइन स्टेट को करनी है। तो यहाँ पे स्टेट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इनिशियल स्टेट। अब इस बात का मतलब ये है कि जो स्टेट ऊपर मैंने एक जो है ना यहाँ पे एक वेरिएबल को ही डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, उसको मैंने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है, फिर मैंने उसको असाइन कर दिया किसको, इस स्टेट को कर दिया है। अब यहाँ पे इतना सा काम करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट जो करना है ना, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करना, इसको हम जस्ट यहां से ही एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कर दिया, अब एक्सपोर्ट करने के बाद हम जाएंगे इसमें, अभी इसमें कुछ और भी सेटअप बनाना है, लेकिन उससे पहले हम इसको ना लिंक कर लें किसके साथ, स्टोर के साथ। यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट क्रिएट, और यहाँ पे आएगा स्टोर। ठीक है, और कहाँ से इसको लेना है जी, फ्रॉम
यहाँ पे आएगा मेरे पास ये प्रोडक्ट से आएगा, ये स्टोर आ गया मेरे पास। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि पहले जो है ना ये क्रिएट स्टोर के ऊपर वो क्रॉस क्यों आ रहा है यहाँ पे, मैं इसके ऊपर जब कर्सर ले गया हूँ तो इसको पढ़े थोड़ा सा, वो आपको ये बता देगा कि इसके ऊपर क्रॉस क्यों आ रहा है, इसके ऊपर लाइन क्यों आ रही है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्रिएट स्टोर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, क्रिएट स्टोर इज डेप्रिकेटेड। इसका मतलब ये है कि अब इसकी जगह टूल किट आ गया। नीचे उन्होंने बताया भी है वो रिकमेंड यूजिंग द कन्फिगर स्टोर, और कन्फिगर स्टोर जो है ना टूल किट में जो मेथड यूज किया जाता है वो कन्फिगर स्टोर का किया जाता है, प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया जाता। इसलिए साथ साथ वो इसलिए जो है ना वो बता भी रहे हैं, अगर देखें ना इसके ऊपर हम कर्सर ले गए ना तो उसने उसकी पूरी डिटेल बता दी है। अब यहाँ पे इसमें क्यों ये आ रही है, यहाँ पे रिडक्स क्यों यूज करेंगे, टूल किट, ये सारी उन्होंने बातें इसमें बताई हुई है। थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम तो वैसे इतना नहीं होता वैसे स्टूडेंट के पास, कोशिश करते हैं बस काम जो है ना उसको निपटाने की करें। अच्छा जी खैर, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके बाद करते हैं कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे लिखेंगे स्टोर, और स्टोर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट स्टोर, ये आ गया जी। और क्रिएट स्टोर को हमने उधर क्या बनाया था, रिड्यूसर, यहाँ पे रिड्यूसर पास करना है। क्यों पास करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि स्टोर जो है ना उसको ही हमने वो रिड्यूसर पास करना है, क्योंकि वो उसका ही एक पार्ट है, ठीक है। एज ए पैरामीटर हम इसको यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम क्या है, रिडक्स, RUX, ये आ गया रिडक्स रिड्यूसर, इम्पोर्ट हो गया। जब ये इंपोर्ट हो गया तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा एक्सपोर्ट, और फिर करेंगे डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे नाम इसका स्टोर कर दिया मैंने। अब इस स्टोर को किसको पास करना है हमने, अब हम रिएक्ट में देखें तो रिएक्ट में जो है ना रूट क्या है, रिएक्ट में जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो किसके पास जाते हैं, ऐप का पेरेंट कौन है, इंडेक्स, तो हम जो स्टोर इंडेक्स को पास करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम इंडेक्स डॉट जेएस में, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इसको खत्म कर देते हैं, दिस इज आल्सो, और यहाँ पे ना हम स्टोर को इसको प्रोवाइड करने के लिए हम एक यूज करते हैं प्रोवाइडर, क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आपके पास सजेशन में आ रहा होगा, यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा, प्रोवाइडर, जब आप ना अपने लैपटॉप पे ना ये इंस्टॉल वगैरह कर लेंगे ना दोनों पैकेज, तो उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली सारी सजेशन आ जाएंगी। इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रही, फिर प्रोवाइडर में ऐसे ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे एज ए जो है ना कस्टम कंपोनेंट के तौर पे हम इसको यहाँ पे इसके जो ये दिए हुए हैं तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट भी करूंगा, ये जो है ना रिपोर्ट वेब वाइटल ये निकाल देता हूँ मैं इधर से, इसको भी ये एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर ये आ रहा है मेरे पास, अब फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट रिडक्स से आना चाहिए, ये रिएक्ट से आ गया मेरे पास, पहले मैं इसको देखूंगा कि ये कहीं मेरे पास गलत तो नहीं आया। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इधर मेरे पास जो है ना वो इसने, इसको मैं पकड़ूंगा इधर से और यहाँ पे मैं ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास उसने बताया हुआ है रिडक्स के बारे में, यहाँ पे बताया हुआ है प्रोवाइडर के बारे में। यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट पास की थी, नीचे हमने वो एक उसकी स्टेट बनानी है, और यहाँ पे क्रिएट स्टोर आ गया जी, और यहाँ पे ये आ गया कुछ ये सेटअप, और इसके बाद नीचे प्रोवाइडर इन यहाँ पे देखें जी, ये मेरे पास जो प्रोवाइडर है यहाँ पे ये आ रहा है प्रोवाइडर,
वो गलत आ रहा है ना वहां पे, तो यहाँ पे हाँ जी आ जाओ। नहीं इकबाल टॉन। और सुनाए आप ठीक है? हाँ जी यहाँ पे देखें जी, प्रोवाइडर जो है हमने उसको कहाँ से इंपोर्ट की करना है, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करना है। तो उसका सेटअप सही नहीं हुआ या क्या है जिसकी वजह से ना उसमें सजेशन नहीं आ रही, ठीक है ना? तो हम इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद प्रोवाइडर यहाँ पे इसको हम ना स्टोर पास कर देंगे। अब स्टोर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, वही स्टोर जो हमने उसमें स्टोर लिखा है, ठीक है? स्टोर हमने जो बनाया है ना उस स्टोर को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी ओके ओके ओके। हमने पहले एक स्टोर बनाया, हाँ जी बनाया ना स्टोर हमने कहाँ पे बनाया, यहाँ पे रिडक्स में बनाया ना। हाँ जी हाँ अब यही जो स्टोर था इसी स्टोर को हमने पास किसको करना था, इसी को पास हमने यहाँ पे करना था इंडेक्स को, ठीक बिल्कुल है? अब क्योंकि रिएक्ट में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं उनका जो रूट है हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है ना। तो अब इंडेक्स को हमने वही जो स्टोर है प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि स्टोर का ही एक अपना जो पार्ट है हमने यहाँ पे देखा है कि वो रिड्यूसर है। हमने सबसे पहले क्या किया है, एक जो स्टोर बनाया है और स्टोर को हमने क्या पास किया है, रिड्यूसर पास किया है। अब स्टोर को कहीं पास करना है हमने रिएक्ट के साथ, उसके साथ लिंक करने के लिए, ठीक है? दो स्टोर लेते हैं ना। दो स्टोर नहीं रखे, एक ही स्टोर यहाँ पे रखा है और एक ही स्टोर जो मैंने रखा है यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में जाए तो मेरे पास एक ही स्टोर आ रहा है। ये जो पहला नाम आपने स्टोर लिखा है ये कौन सा, ये स्टोर यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर ये पे, जो मर्जी मतलब क्या हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। इसका कोई इशू नहीं है, ये तो जस्ट एक मैंने वेरिएबल लिखा है ना। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या चल रहा है, समथिंग रॉन्ग? नहीं आप स्माइल कर रहे थे, क्या अच्छा बात है? हाँ नहीं मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ यार, कुछ चल रहे आप लोग नहीं, कुछ है लतीफा है तो सुना दें, पहले लतीफा सुन लेते हैं उसके बाद हम पढ़ाना शुरू। इसमें हमने अभी ये कहा है कि सबसे पहले हम ना एक स्टोर बनाते होते हैं, ठीक है ना? और स्टोर जो है वो हम किसको देते हैं, स्टोर हम किसी कंपोनेंट को नहीं पास करेंगे, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का रूट क्या है, इंडेक्स है, ठीक है ना? ऐप को भी नहीं पास करेंगे क्योंकि ऐप का जो पेरेंट है वो क्या है, इंडेक्स है। तो हम डायरेक्टली जो स्टोर बनाने के बाद वो किसको पास कर देंगे, इंडेक्स को पास कर देंगे। और स्टोर को जहाँ पे जो एक्टिविटी कौन दे रहा है सारी, वो रिड्यूसर दे रहा है। सर तो रिड्यूसर हमने डेफिनेटली पहले ही उस रिड्यूसर को हमने स्टोर में पास कर दिया। यहाँ पे स्टोर में जाए ना तो जो सारी एक्टिविटी करनी है ना वो रिड्यूसर ने करनी है। प्रोड्यूसर स्टोर को पास कर देना, स्टोर आगे इंडस्ट्री। स्टोर जी बिल्कुल, स्टोर आगे इंडेक्स को पास करेगा और फिर इंडेक्स से किसी भी कंपोनेंट में जो भी स्टेट लेनी है वो इंडेक्स से आकर लेगा, ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे आप लोगों को इस चीज का तो आइडिया है कि इंडेक्स एक रूट है, अब किसी ने भी कंपोनेंट में यहाँ तक मतलब कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह हम ये यहाँ पे ना लिंक कर रहे हैं, हम
यहाँ पे ना हम लिंक कर रहे हैं। तो ये जो प्रोवाइडर है ना, मैंने आप लोगों को पहले जब पैकेज इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने पहले एक बात बताई थी कि जो रिएक्ट रिडक्स है ना, ये लिंक करने का काम करता है। रिडक्स एक सेपरेट है, रिडक्स से हमने जो स्टोर बनाया है, हमने ये किससे बनाया है, रिडक्स से बनाया है ना। तो रिडक्स एक सेपरेट है, और जो हमने इधर रिएक्ट रिडक्स की बात की है, तो रिएक्ट रिडक्स जो है ना वो लिंक करने का काम कर रहा है। किसको? रिएक्ट को और रिडक्स को। तो लिंक करने के लिए हमने वहां से एक जो है ना एक प्रोवाइडर दिया उसने हमें, और प्रोवाइडर जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर को प्रोवाइड कर रहे हैं, वही स्टोर जो हमने उधर बनाया था, ठीक है ना। अगर ये सेटअप सारा हमारा यहाँ तक ठीक हुआ है ना, तो ये हमारे पास यहाँ तक अभी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। ऐप डॉट जी एस में जाएंगे और यहाँ पे हेडर में जाएंगे, इसमें अगर आप कोई गलती करते हो ना तो यहाँ पे वो चलेगा ही नहीं, यहाँ पे आपको एरर दे देगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, एच वन में मैंने लिखा, चल रहा है यहाँ से, चल रहा है ये, दोबारा चलाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास वेलकम आ रहा है ना। अब इसका मतलब ये है कि जितना भी मैंने सेटअप कर लिया ना, वो सारा सेटअप बिल्कुल ठीक हुआ है। अभी हमने इसको टेस्ट करना है, ये जो बेसिक सेटअप बना रहे हैं ना, उसको हमने अभी टेस्ट करना है। अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसमें ये या जाकर एक कंपोनेंट बनाएंगे यूआई, क्योंकि इसको अगर हम देखें ना, हमने एक स्टोर बना लिया, स्टोर के साथ हमने एक रिड्यूसर बना लिया, रिड्यूसर को हमने एक स्टेट पास की, और वो स्टेट इधर आ रही है, और स्टेट ये किसके पास जाएगी, एक यूआई के पास जाएगी। अब हम एक यूआई कंपोनेंट बनाते हैं कोई भी, हम अभी तक ना इसी एक जो हमारे पास पिक्चर है इसी को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी स्टेप बताए जा रहे हैं हम इन सारे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें एक यूआई कंपोनेंट बनाएंगे, यूआई कंपोनेंट में मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ कंपोनेंट, मैं यहाँ पे एक बैंक के नाम से बना लेता हूँ, अब यहाँ पे जो भी रिड्यूसर में दी होती है ना स्टेट, उस स्टेट को हमें यहाँ पे गेट करना है ना, किसी भी कंपोनेंट में गेट करना है ना, तो हम एक हुक का यूज करते हैं, यूज सिलेक्टर का। किसका यूज करते हैं? यूज सिलेक्टर, एक हुक का यूज करते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी एक मैंने नाम दे दिया अमाउंट, और यहाँ पे मैंने इसमें और इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे यूज, और जब मैं एस लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा। आप यहाँ पे इस यू सिलेक्टर को पैरामीटर हम पास करेंगे वही स्टेट, वो जो स्टेट उधर पास की है ना, तो मैंने वही स्टेट इसको पास कर दी। आप फिर या मुझे रिटर्न क्या करेगा, मुझे रिटर्न भी मैं ये कहता हूँ इसको, वो स्टेट ही मुझे रिटर्न कर दो। अब अगर मैं इस अमाउंट को कंसोल करूँ तो मेरे पास जो उधर रिड्यूसर में अमाउंट पड़ी है, जो भी वैल्यू पड़ी है, यू सिलेक्टर बेटा काम ये करता है कि जो रिड्यूसर में आपके पास वैल्यू पड़ी होती है ना, उसको किसी भी कंपोनेंट में आपने यूज करना है ना, तो यूज करने के लिए आपने यू सिलेक्टर करना यूज, क्योंकि ये किसी भी कंपोनेंट में रिड्यूसर की वैल्यू को लाने में आपकी हेल्प करता है। हाँ जी, ये एक हुक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूं, तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है इसमें क्या आना चाहिए मिस? हाँ जी, हमने स्टेट में वैल्यू दी थी, 10 दी थी ना। अब यहाँ पे मैंने इसको कंसोल किया, अब आप चेक करें इसको, यहाँ पे जाएं किसमें रिडक्स कहाँ पे चल रहा है, इधर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, तो अब यहाँ पे कंसोल करने से यहाँ पे मैंने इसको आई थिंक बैंक को मैंने इंपोर्ट नहीं किया एप डॉट जेएस में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, थैंक्स, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, अनडिफाइंड, यहाँ पे इसको अनडिफाइंड नहीं देना चाहिए, क्यों अनडिफाइंड दे रहा है। मैं पहले ना ऐसा करता हूँ, इसमें जाकर बैंक्स में जाकर यू सिलेक्टर, स्टेट भी मैंने उसको दे दी, अगर मैं इसी को यहाँ पे बैंक्स के अंदर ही पास कर दूँ और यहाँ पे मैं जो है वो अमाउंट जो मैंने ऊपर लिखा है उस अमाउंट को मैं यहाँ पास कर दूँ, तो
कुछ आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है। हम चेक करते हैं इसको, इश्यू कहाँ पे है। अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ तक सेटअप जो है हमारा ये भी ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो रिड्यूसर की बात करें, रिड्यूसर में जाएंगे हम यहाँ पे, दिस इज रिड्यूसर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको जो रिटर्न करूँगा, अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न में क्या करता हूँ, स्टेट। अब वो स्टेट में यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। अब आप देखें जरा यहाँ पे, ये है कि वो 10 आ गई वैल्यू मेरे पास। कौन सी वैल्यू है ये जो हमने रिड्यूसर में रखी है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ये 100 कर दूँ तो मेरे पास वो वैल्यू उधर 100 शो होनी चाहिए ना। रिफ्रेश किया इसको तो मेरे पास वो वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। अब इतना सा काम है कि हम ना कहीं से भी वैल्यू कुछ उसको पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमने लिंक नहीं किया इसको, जो रिड्यूसर है या स्टोर है इस कंपोनेंट्स के साथ हमने उसको लिंक नहीं। नहीं किया। सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह करके हो रहा है कि हमने पहले एक स्टोर बनाया है, और स्टोर का काम कौन कर रहा है, स्टोर का काम सारा जो है वो रिड्यूसर कर रहा है। हमने यहाँ पे स्टोर बनाया है और स्टोर के साथ हमने रिड्यूसर बनाया। रिड्यूसर बनाने के बाद हमने इसको कुछ स्टेट दी, और ये स्टेट इसने किसको पास की, स्टोर को पास की, और स्टोर को हमने किसको दे दिया, स्टोर को हमने इंडेक्स डॉट जीएस को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके लिए प्रोवाइडर यूज किया। प्रोवाइडर क्या काम कर रहा है, रिएक्ट रिडक्स हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, जिसने क्या काम किया है, रिडक्स और रिएक्ट को दोनों को आपस में लिंक किया। लिंक करने के बाद यहाँ पे एक प्रोवाइडर यूज किया, और उसने स्टोर को यहाँ पे प्रोवाइड किया एज अ प्रॉप्स, एज अ प्रॉप्स। एक्चुअली प्रॉप्स की डेफिनेशन अगर हम ये कहें तो जो प्रॉप्स एक सिंपल जो है ना वो एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह है, क्योंकि फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक जो है ना हम कस्टम कंपोनेंट को पैरामीटर ही पास कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसको स्टोर को एज अ पैरामीटर पास किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में हमने जब उसकी वैल्यू को गेट करना है ना स्टोर की, तो वैल्यू को गेट करने के लिए हमने यू सिलेक्टर यूज किया है, और यू सिलेक्टर किसका हुक है। ओके, अब यहाँ तक एक सिंपल सा काम हुआ है। अब हमने ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये यूआई पे वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, अब इसमें हमने कुछ चेंजिंग करनी, कुछ चेंजिंग करनी है। उससे पहले एक सवाल है, अगर एक कंपोनेंट हम और बनाते हैं उसके अंदर फिर जो जो भी हम मतलब डाटा अंदर लिखेंगे वो फिर किसको पास करेंगे, जैसे ये एक कंपोनेंट आपने हम बनाया। कंपोनेंट एक और बनाते हैं, आपने कहा एक और कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक और कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब इस कंपोनेंट में मैंने इसका कोई नाम बताओ, चले मैंने इसका नाम, डॉट बी एस रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूँ, मैं यहाँ पे नया बार बनाता हूँ, और दिस नीचे वन, यार एक तो ना ये सबसे मसला इसका ही होता है, ये फैन यहाँ पे चलता रहता है पर बंदा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पे काम करते वक्त। अच्छा अगर सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे गेट करना हो उसके स्टेट को, तो क्या करूँगा मैं, उसको इंपोर्ट करेंगे प्रोड्यूसर की स्टेट को यहाँ पे मैंने यूज करना है तो क्या करूँगा, सिंपल कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख लिया, वैल्यू प्री डिफाइन है इसलिए वैल्यू नहीं लिखेंगे, कोई भी मैंने लिख दिया, रेस इज इक्वल टू यू सेलेक्टर, और यहाँ पे इसको भी मैंने वैल्यू पास कर दी, ठीक है स्टेट, और यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू रिटर्न कर दी स्टेट, और यहाँ पे मैंने उसको गेट कर दिया, ठीक तो है जी।
अब यही तरीकेकार होता है कि पहले आप सिंपल ना ये स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ चीजों को देखें कि अब मैंने ना यहाँ पे भी उसकी वैल्यू को कट कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना रेस, तो रेस मेरे पास दो दफा आएगा यूआई पे। अब अगर मैं इसको भी इंपोर्ट करूँ यहाँ पे जाकर किसमें एप डॉट जी एक्स में, यहाँ पे ठीक दो दफा आ रहा है मेरे पास। सर जी, अगर हम प्रॉप्स का यूज नहीं करते पर हम इसका रिडक्स का यूज कर लेते हैं पहले, तो कोई मसला नहीं। पहले जैसे पहले हमने प्रॉप्स किए, प्रॉप्स हम नहीं करते, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ऐड टू कार्ट हमने नहीं करना, सिर्फ हमने डाटा पास करना है, तो हम वहां पर भी रिडक्स का यूज कर सकते हैं। डेटा तो इसका पास, यूज वहीं पे होगा जहाँ ऐड टू कार्ट करना है, हाँ जी सिर्फ वहीं पे यूज होगा। जी, वैसे इसको डाटा पास करने के लिए यूज नहीं कर सकते नहीं एज ए प्रॉप्स। वैसे एज ए प्रॉप्स, वैसे आपने जो है ये तो अब आपको पता है कि जब आपने मल्टीपल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और डिफरेंट कंपोनेंट से डिफरेंट डाटा जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट को भेज रहे हैं, तो उसके लिए तो आपने रिडक्स यूज करना है, ठीक है ना। अगर आपने ऐड टू कार्ट नहीं करना तो फिर रिडक्स ना भी यूज करो फिर भी काम तो चल जाएगा। आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उसमें आपने ये है कि कार्ड को शो करवाना है, शो करवाने के लिए ये है कि आपने कार्ड बना लिए, किसी कार्ड पे क्लिक करो उसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने उसको आगे जो है जब आपने उसको सेल करना है, मतलब उसकी प्रोडक्ट को कहीं पे ऐड करना है, तो वो तो काम नहीं होगा ना प्रॉप्स में, वो तो आपको। हाँ जी हाँ जी, अब ये पता है क्या, यहाँ पे अब यहाँ पे जो मैंने इसको लिख दिया ना, अब इसके बाद नीचे अगर मैं बनाता हूँ ना एक कंपोनेंट जिसमें मैं कार्ड लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे 50 कार्ड लगा देता हूँ, स्टेट को मैंने यहाँ पे उसकी गेट कर लिया है। अब स्टेट को मैं ना एक जो है ना एक हार्ड कोडेड में वैल्यू दे रहा हूँ, बाद में मैं जो वैल्यू उसको दूंगा ना यूज रिड्यूसर को, वो मैं डायनेमिक वैल्यू दूंगा, मैं वैल्यू वो अपने पास से यहाँ से वैल्यू दूंगा। अभी हम उसकी वैल्यू को किसी कंपोनेंट में गेट कर रहे हैं, बाद में हम ना अपने पास से एक कंपोनेंट से वैल्यू हम स्टोर को देंगे, रिड्यूसर को देंगे, ठीक है ना। बाद में हमने ये सारा काम करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी इस एक्टिविटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम बैंक में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर इस शेप को देखें तो यहाँ पे यूआई में दो बटन बनाएंगे, एक डिपॉजिट का और एक विदड्रॉ का, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। डिपॉजिट, ये एरर क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह से आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने किया पेस्ट और यहाँ पे भी मैंने यूज किया बटन, और यहाँ पे मैंने किया जी डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, विदड्रॉ यूज किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक जो है ना ऑन क्लिक यूज करना है, ठीक है। जब मैं ऑन क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन हो, फंक्शन का नाम मैंने इंक्रीमेंट रखा, और नीचे यहाँ पे जाकर मैंने एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक पे, और ऑन क्लिक पे जब मैंने एक फंक्शन बनाया तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया डिक्रीमेंट। अब ये जो है ना फंक्शन में यहाँ पे जाकर पास करूंगा कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंक्रीमेंट, और फिर इधर इसको ही कॉपी करेंगे, नाम इसका चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे डिक्रीमेंट, और अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें हमने दो फंक्शन बना लिए। अब इसको देखें जरा डायग्राम को, यूआई में गए, बैंक के नाम से हमने यूआई बनाई, यहाँ पे उसमें दो बटन बनाए, उन पे हमने दो इवेंट पास किए, और उस पे हम जब क्लिक करें तो क्लिक करने से हमने कुछ डिस्पैच करना है ना, तो आप डिस्पैच हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, डिस्पैच के लिए ना हम एक हुक यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और ये उसका नाम लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं डिस्पैच के नाम से,
और यहाँ पे इस ये वेरिएबल में क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे यूज डिस्पैच लिखेंगे। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा यूज डिस्पैच तो मेरे पास यहाँ पे एक कुक आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे यूज डिस्पैच मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे यूज डिस्पैच में मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मैं डिस्पैच करूंगा ना, इस डिस्पैच में मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसमें वैल्यूज मैं दूंगा ना, यहाँ पे उसमें मेरे पास आएगा, यहाँ पे पहले तो मैं इधर जाऊंगा कुछ इसको वैल्यू पास करने के लिए। यहाँ पर आई थिंक सो थिंक दैट डिस्पैच और यहाँ पे दिस और दिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे डिस्पैच में मैं कुछ वैल्यू दूंगा, इधर भी जाकर इसको भी मैं यहाँ पे डिस्पैच में कुछ वैल्यू दूंगा, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ से आनी है, और वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा किसके अंदर, मैं रिड्यूसर के अंदर जाऊंगा। अब जो रिड्यूसर है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अब जो रिड्यूसर है इसमें यहाँ पे अभी तक मैंने ऊपर लिखा था स्टेट, मैंने लिखा था स्टेट की सिंपल मैंने वैल्यू जो है ना वो पास कर दी ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्शन यहाँ पे अभी कोई डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्विच आप लोग यूज करते थे, जब आपके पास मल्टीपल केसेस होते हैं ना तब आप क्या यूज करते हैं, स्विच को यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है ना केसेस मैं बना लेता हूँ दो, या तो इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो। और इंक्रीमेंट करना है तो कितना इंक्रीमेंट हो, अगर डिक्रीमेंट करना है तो कितना डिक्रीमेंट हो। तो स्विच के लिए सबसे पहले जिस तरह आप जो है ना फॉर लूप लगाते हो, तो फॉर लूप में पहले फॉर लिखते हो, उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और उसमें उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप आते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक स्विच लिखेंगे, स्विच में हम क्या करेंगे, स्विच में हम यूज करेंगे एक्शन डॉट टाइप, कि एक्शन किस तरह का है, जो एक्शन करना है वो किस तरह का है। और यहाँ पे इसमें क्या करेंगे हम, इसमें केसेस बनाएंगे, इसमें मैं लिखूंगा केस, और केस वन क्या है, यहाँ पे केस मेरे पास क्या है, केस मेरे पास सबसे पहले है डिपॉजिट, डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट की सूरत में क्या करो, डिपॉजिट की सूरत में रिटर्न क्या करो, अगर पहला केस है तो उसमें क्या आपने रिटर्न करना है। मैं कहता हूँ स्टेट जो है मेरे पास इधर से जाए, स्टेट में क्या कर दो प्लस 10 कर दो, क्या कर दो प्लस 10 कर दो। और केस जो है नेक्स्ट केस की सूरत में क्या कर दो, PHPR विदड्रॉ करना है, दूसरे केस की सूरत में क्या करना है, विदड्रॉ करना है। जब विदड्रॉ करना है तो फिर रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, जो स्टेट है स्टेट में क्या करना है, माइनस क्या कर देना है उसमें से 10 कर देना है। और फिर उसके बाद अगर दोनों ही केस नहीं है तो फिर क्या हो, अगर मेरे पास दोनों ही केस नहीं है तो फिर क्या करना है, जब मेरे पास दोनों केस नहीं है तो फिर क्या कर दो, डिफॉल्ट कर दो, ठीक है। और डिफॉल्ट जो स्टेट आ रही है वही स्टेट क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे डिफॉल्ट के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लगाना है कॉलन, और यहाँ पे मुझे करना है रिटर्न, ओके। केस वन में तो आपने क्या करना है, उसमें कुछ डिपॉजिट करना है, और केस टू में आपने क्या करना है, उसमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर दोनों केस ही ना हो तो फिर आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट। अब ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये अब यहाँ तब हम यूज करेंगे रिडक्स का काम, ये तब करना है जब हमने ये देखना है कि एड टू कार्ट में अगर कोई वैल्यू पड़ी है तो उसको तो दिखा दो, अगर वैल्यू नहीं पड़ी तो फिर स्टेट की जो भी खाली वैल्यू है आप ये कहो कि आपका जो एड टू कार्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है जी। ये तब ये यूज होने हैं सीन, ठीक है ना। अभी मैं ना आप लोगों को एक सिंपल इसका फ्लो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स, इससे मजीद इसको कम्प्लेक्स करना है, ये बहुत ही आसान सा अभी जो है ना हम इसका एक फ्लो कर रहे हैं, बाद में ना थोड़ा सा इसमें कम्प्लेक्स इसको बनाने के लिए इसमें कुछ ना और भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐड करने से मुराद यहाँ पे तो मैं एक सिर्फ सिंपल एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम इसमें अरे पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम अरे पास करेंगे और अरे में मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो हम इसकी यहाँ पे एक स्टेट जो है ना एक सिंपल सी स्टेट बना रहे हैं जिसमें हम एक रैंडम सी हार्ड कोडेड सी वैल्यू दे रहे हैं,
यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जो है वो अभी जो है वो 10 ही कर दी है। यहाँ तक रिड्यूसर में बस इतना ही होता है, रिड्यूसर का सेटअप यही है। हाँ जी आमिर हाँ जी रजा आमिर रजा, कौन है? यहाँ पे कोई नहीं आमिर रजा। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ना हम यूआई की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर डिपॉजिट हो, डिपॉजिट कौन सा हो, यहाँ पे हमने जो लिखा है ना डिपॉजिट, यहाँ पे हम कहाँ पे थे, रिड्यूसर में, रिड्यूसर में ये आ गया रिड्यूसर। इसमें जो डिपॉजिट है तो डिपॉजिट जो है इसको मैंने कहाँ पे लिखना है, इसको डिपॉजिट को मैंने कॉपी किया, ये ही आपने लिखना है, इसको चेंज नहीं करना आपने। फिर इसको बैंक में जाना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे डिस्पैच कर देना, यहाँ पे आपने लिख देना जी डिपॉजिट। और इसके बाद नीचे जो है ना इसमें हम ना दूसरा स्टेप पास कर देंगे। अच्छा पहले ना आप लोग ना अपने पास पहले इतना कुछ सेटअप बनाओ सारे लोग, अभी टाइम टाइम पड़ा है हमारे पास, तो आप ना सारे लोग अपने अपने लैपटॉप पे ना पहले ये सेटअप बनाओ, इधर से देख के सारे ही पहले ये इस तरह एक रिड्यूसर बनाओ, उसको स्टोर को पास करो, ये 10 मिनट का काम है, जल्दी से करें। मुझे आज फ्रीज कर दिया यार, किसी बेटा मैंने इसको बंद करने की किया है लेकिन वहां से हुआ ही नहीं है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा हाँ तो और यार यहाँ पे हवा बहुत तेज आ रही है यार, करते प्लीज जल्दी करें। हाँ जी सर।